दरवाजा बंद कर दो यार। जी भैया, बहुत मुश्किल से आप कहीं आते हैं और कहीं आते हैं उसकी कोई खास वजह होती है, यहाँ आने की खास वजह? ये आपको वजह तो बहुत अच्छे से संजय जी ने बताई कि एक ऐसे फौजियों का एक ऐसे फौजी जिन्होंने देश की सेवा करते करते और इन्होंने एंटरटेन के माध्यम से भी लोगों की सेवा करने की कोशिश की। और मुझे अच्छा ये लगा कि विकास मलिक जिन्होंने ये सब लोग आईआईटी से बहुत अच्छे लोग और डिजिटल वर्ल्ड से जो है बहुत इनका, जब हमने इनसे कई बार मीटिंग की और इन्होंने जब अपनी हमें बताई कि वीसीआर प्ले जो है हम लॉन्च करना चाहते हैं, तो हमें उसमें ये संभावनाएँ सबसे अच्छी इनकी नीति और नियति पे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी आज जो टीम जो बैठी है उसमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक बड़ी ईमानदारी दिखी, बड़ी एकरूपता दिखी, बड़ी सामंजस्य दिखा। और वीसीआर प्ले के माध्यम से पूरी दुनिया को एक ऐसा ओटीटी लॉन्चिंग पैड ये दे रहे हैं जिसमें हज़ारों बच्चों बच्चियों को मौका मिलेगा अपना अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें डालने के लिए। और बहुत सारे कम से कम 4000 घंटे का पिछले मतलब 2-3 साल में एक कलेक्शन करना प्रॉपर पूरे, जिसमें वीडियोस के माध्यम से अलग अलग तरीके कंटेंट। तो ये एक आई थिंक ये एक ऐसा जो है ओटीटी इन्होंने पेश करने की कोशिश की है जिसमें एंटरटेनमेंट, फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट, और जिसमें बच्चे बूढ़े नौजवान एक बोलते ना कि अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग कंटेंट बनते हैं। और हम हल कंटेंट की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो वीसीआर प्ले के माध्यम से कंटेंट आपके सामने परोसना चाहते हैं उसमें दादी नानी और बच्चा बूढ़ा नौजवान सबके लिए मनोरंजन एक समान, चाहे मंदिर में दिखाओ चाहे मस्जिद में दिखाओ। मनोरंजन का मतलब किसी को बुरा ना लगे, किसी को अटपटा ना लगे, और जब अटपटा और बुरा नहीं लगता है तो मनोरंजन मन को छूता है। ये इनकी नीति में हमें बड़ी एकरूपता दिखी। और इन्होंने विकास ने इसको, क्योंकि ये लोग आईआईटी की लोग हैं, जो लोग टेक्निकल वर्ल्ड के लोग हैं, और इन्होंने जब इसकी पूरी एक ने कई मीटिंग्स में हमें बहुत अच्छा कन्विंस किया, तो आज मैं इनकी टीम के साथ में एक पात्र बन के कि कह सकते हैं कि एक प्रमोटर के रूप में और इस वीसीआर प्ले को पूरे दुनिया के लोग इसका मज़ा लें और इसका खूब फ़ायदा उठाएँ। ये कभी प्ले पाठशाला के माध्यम से, कभी वीडियोस के माध्यम से, कभी अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कभी फिल्म के माध्यम से, कभी मनोरंजन के माध्यम से, और दुनिया में जो बोलते हैं ना कि वीडियो करंट रिकॉर्ड्स, जिसमें दुनिया की हर चीज़ को दिखाया जा सकता है, जिसमें कुछ ऐसा हो और जो करंट में हुआ हो और दिखाया जा सके, तो बिल्कुल ये ओटीटी का जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इसके मालिक, इसके कैप्टन मिस्टर संजय कुमार और मैं, इन लोगों ने जब कि भैया हम चाहते हैं कि इसको आप हमारे प्रमोटर के रूप में हमारे साथ में रहें, और हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो एक अच्छे ओटीटी का हिस्सा बने। मैं सौभाग्यशाली हूं कि अपने देश में जितने भी ओटीटी हैं सबका हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, और इसका भी एक पात्र होने का, एक विशेष पात्र होने का, एक विशिष्ट पात्र होने का सौभाग्य मिला है। तो ये अब हमारा ओटीटी आप सबको समर्पित है। हर उस बच्चे बूढ़े नौजवान जिसके अंदर क्रिएटिविटी ज़िंदा है, उसके क्रिएटिविटी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आपके सामने समर्पित है। आई थिंक संजय जी, राजपाल यादव जैसी शख्सियत आपके प्लेटफॉर्म को प्रमोट करती हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा कहते हैं, जब कहते हैं कि आप फैमिली को दे सकते हैं, कितनी हौसला अफजाई है? आता हूँ बेटा, हौसला है जी भरपूर, क्योंकि हम आते ही ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो है अर्धसैनिक बल CISF के हम सोल्जर हैं और हमारे साथ कमांडोज जुड़े हुए हैं। तो हौसला जो है ये हमारे परमाणु हैं, और परमाणु अभी तक 2 ही बार ट्राई हुआ है और फिर उसका खौफ सदा जिंदगी बना रहा है। तो अब सोचिए हम कहना क्या चाहते हैं, आप ही डिसाइड कीजिए। हम मनोरंजन के परमाणु जिसमें हम एक अच्छा, एक चलो अगर ये हमें परमाणु भी बोलते हैं तो चलो हम परमाणु बनना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे परमाणु बनना चाहते हैं जब जब हमारे मुंह से कुछ भी फूटे लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, लोगों का ब्लड अच्छा हो, बस। भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप जवाब देना चाहें तो जी, आपकी इच्छा के ऊपर है। आज
शाहरुख के बेटे आर्यन खान को लेकर जिस तरह की पूरा माहौल बना है, एनसीबी की कस्टडी में है, उनको दो दिन की, कल एक दिन की रिमांड पे भी लिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे क्यों गुमराह हो रहे हैं? ये हमारे लिए भी बड़ी अजीब सी न्यूज़ है, और आज जब आपने हमसे पूछा है तो हम खुद ही बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और सब अच्छी राह पे आए, क्योंकि हमारा ये अगला फ्यूचर है, हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं बच्चे बच्चियां, सबको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए और सबको सही दिशा सही राह मिलनी चाहिए, सब सही दिशा में सही राह में चलें, बस यही दुआ करता हूँ। बाकी क्या है कैसा है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। राम सर, श्री राम सर, आइए प्लीज, और हमारे यूथ फ्यूचर।